दोस्तों, मैं डॉक्टर एस एल पारा किंदोर आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण परंतु बहुत कम उपयोग में आने वाली मेडिसिन डायस्कोरिया विलोसा के बारे में बात करूंगा। डायस्कोरिया विलोसा फैमिली डायस्कोरियसी की मेडिसिन है, जो कि येम फैमिली के नाम से भी जानी जाती है। आप इस पिक्चर में देखिए कि डायस्कोरिया का प्लांट कैसा दिख रहा है। कई बार हम डॉक्टर इन आप सिग्नेचर के आधार पर और प्लांट का जो नेचुरल बनावट है उसके आधार पर भी दवाई को समझ सकते हैं। डायस्कोरिया एक क्लाइंबिंग करने वाला प्लांट होता है, अर्थात ऊपर की ओर चढ़ने वाला, और ये ट्विन करते हुए ऊपर की तरफ जाता है। इसका स्टेम अपने स्वयं के वेट को भी नहीं संभाल सकता है, इसलिए ऊपर की ओर जाने के लिए सपोर्ट के चारों ओर लिपटता हुआ ये ऊपर की ओर बढ़ता है। ये ट्विस्ट करता हुआ, मतलब स्पाइरल वे में राइट टू लेफ्ट चलते हुए घुमावदार तरीके से अपने को ऊपर की तरफ ले जाता है, जो कि आप इजीली पिक्चर में देख सकते हो। आप फिर से देखिए कि किस तरह से इसका जो बेल है वो कितनी पतली है। डायस्कोरिया हमारे मटेरिया मेडिका में दर्द की एक महत्वपूर्ण दवा है, लेकिन डायस्कोरिया बहुत रेयरली यूज्ड मेडिसिन है, क्योंकि डायस्कोरिया को यदि समझना है तो हमें पेशेंट के जेस्चर को, उसकी बॉडी लैंग्वेज को, उसके बोलने के स्टाइल को समझना पड़ेगा। ना कि हम मटेरिया मेडिका पढ़ के या बहुत अच्छा रिपर्टराइजेशन करके उस दवा को गेन कर सकते हैं। यदि उस दवा को हमको निकालना है तो आपको बहुत क्रिटिकली अलर्ट रहकर पेशेंट को वॉच करना है कि पेशेंट किस तरीके से, किस वे में आपसे बात कर रहा है, और अपने पेन को या अपनी प्रॉब्लम को वो कैसे डिस्क्राइब कर रहा है। यदि हम उसके एक एक शब्द को समझेंगे, एक एक शब्द को पकड़ेंगे और उसके ऊपर ध्यान देंगे, तब हमें लगेगा कि डायस्कोरिया को कैसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। डायस्कोरिया को अ कोलिक रूट, इट्स वी कैन कॉल इट अ कोलिक रूट और डेविल्स बोन्स। मतलब आप ये देखिए कि जिस तरह से नाम दिए हुए हैं, तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका दर्द कितना खतरनाक हो सकता है, इसके दर्द में कितनी तकलीफ होती है पेशेंट को। लेकिन फिर भी ये लेस यूज रेमेडी है, इग्नोर्ड है, क्योंकि कई बार हमारी गलती के कारण या हमारा ध्यान मिस पोलिक्रेस के ऊपर होने के कारण हम इस दवा को इतना समझ नहीं पाते हैं। अ कोलिक रूट और डेविल्स बोन यूजफुल एंड प्रिंसिपल रेमेडी फॉर मेनी काइंड्स ऑफ पेन। शरीर में कहीं भी किसी भी प्रकार के दर्द हो, ये बहुत यूजफुल रेमेडी है, लेकिन इसका दर्द कैसा होता है इसको समझना बहुत जरूरी है। स्पेशली इट इज यूजफुल फॉर कोलिक। दर्द तो कई होते हैं, बट मेनली इट इज अ प्रिंसिपल रेमेडी फॉर कोलिक। पेन्स आर अनबियरेबल, शार्प, कटिंग, ट्विस्टिंग, ग्रिपिंग, ग्राइंडिंग एंड क्रैम्पिंग। अब हम यहाँ एक एक शब्द को समझें। एक तीखा दर्द होता है, बहुत तेज दर्द होता है,
और ऐसा लगता है जैसे कोई काट के रख दिया, और ट्विस्टिंग मरोड़ने वाला दर्द, जैसे कोई चीज ट्विस्ट हो रही है। जैसे हम ये देखें कि किस तरह से इसकी जो बेल है वो ट्विस्ट होती है, ठीक है, मीन्स हम उसको ये भी कह सकते हैं कि किस तरह से ये बेल क्वाइल हो रही है, मीन्स क्वाइलिंग के स्टेट में पेन बढ़ेगा, और यदि इसका रिवर्स ऑर्डर चलता अनक्वाइलिंग होती है तो इसका दर्द कम हो जाएगा। लेकिन यदि हम ये क्वाइल करने वाली स्टेज देखें और इसको यदि हम ऐसे खींचते हैं, मान लो इस क्वाइल को ऐसे खींचते हैं, ये क्वाइल किया हुआ है या ट्विस्ट किया हुआ और उसको खींचते हैं, तो क्या होता है, इसकी पकड़ ढीली हो जाती है। मतलब जैसे भी स्ट्रेच करेंगे, मीन्स जब बॉडी को हम पीछे की तरफ ले जाएंगे, मतलब स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच्ड आउट, तो आपको दर्द कम लगेगा। जबकि इसका अपोजिट क्या है कि जब हम आगे की तरफ लाएंगे, मतलब डबलिंग करेंगे, है ना, अपने सिर को पैरों की तरफ मिलाएंगे या पैरों को उठाएंगे और सिर की तरफ लाएंगे, तो हमारा दर्द इस स्थिति में अगर कम होता है तो कोलोसेंथ की स्टेज आ जाती है। अब हम और देखिए पुल्ड, मतलब किस तरह से खींचता है इसका दर्द, ठीक है, ग्राइपिंग पेन, एक पकड़ के रखता है ये दर्द, मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमें पकड़ के रखा है। तो पेशेंट आपको ये सब जेस्चर देगा, पेशेंट जब पेन की बात करेगा तो वो यही बोलेगा कि साहब ऐसा ये घूम रहा है या कुछ। मैं आपको एक दो एग्जांपल दूंगा आगे चल के कि किस तरह से पेशेंट ने नरेट किया था। और आप देखिए पेन रेडिएट टू डिस्टेंस पार्ट, मीन्स क्या होता है कि जब ये ट्विस्टिंग की प्रोसेस चलती है तब आप देखेंगे कि मान लो पेन यहाँ हो रहा है, ठीक है, ये दिस इज द सेंट्रल पॉइंट, तो ये पेन यहाँ से ऐसे आगे बढ़ेगा इस टाइप से, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, बट जहाँ दर्द हो रहा है उससे दूरस्थ जगह पे जाएगा ये इसकी क्वालिटी पेन की। जैसे मान लो आपके लीवर में पेन हो रहा है तो वो पेन आपका कहाँ आएगा, आपके राइट निपल पर आएगा वो पेन, ठीक है। जैसे मान लो आपको इनग्वाइनल रीजन में पेन, मान लो लेफ्ट इनग्वाइनल रीजन में पेन है, तो वो पेन आपके पेनिस तक चला जाएगा, इस तरह से पेन आपका रेडिएट होगा। और देखिए पेन ऑकर इन पेरोक्सिस्म आर इंटरमिटेंट बिकॉज इट इज रिलेटेड विथ मलेरिया मियाजम, तो इसका पेन एक आक्षेप को लेके आएगा, दर्द आएगा कुछ देर रहेगा फिर चला जाएगा, दर्द आएगा कुछ देर रहेगा फिर चला जाएगा। पेन सडनली सीज इन वन पार्ट देन स्टार्ट इन अनदर पार्ट, दर्द एक जगह शुरू होगा, यहाँ बंद हो गया, दूसरी जगह शुरू हो जाएगा। पर यह पल्सेटिला जैसे वॉन्डरिंग पेन नहीं है, वहाँ वॉन्डरिंग पेन में जिस जगह दर्द है वहाँ तो दर्द है ही सही, लेकिन वो दूसरी जगह भी जा रहा है। जबकि इसमें क्या है कि दर्द यहाँ है, यहाँ बंद हो जाएगा, जिस जगह पर दर्द हो रहा है वो दर्द बंद हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ दर्द है तो ये दर्द यहाँ बंद हो गया और ये दर्द डिस्टेंस पार्ट पे चला गया, मतलब एक जगह दर्द बंद होगा तो दूसरी जगह शुरू हो जाएगा। जबकि पल्सेटिला में क्या है, वो वॉन्डरिंग पेन है, घूमता हुआ दर्द रहेगा, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, इस टाइप से। पेन सडनली सीज इन वन पार्ट एंड देन स्टार्ट इन अनदर पार्ट, जाइजेंटिक पेन्स, मतलब विभत्स दर्द होता है ये दर्द, ऐसा इतना खतरनाक होता है कि पेशेंट के लिए सहन करना मुश्किल होता है। एंड सीवियर सोमेटाइजेशन, मतलब दर्द के कारण वो इतनी ज़्यादा एंजाइटी में आ जाता है, इतना बेचैन हो जाता है, इतना उत्कंठा वाली स्टेज हो जाती है, अब मुझे क्या करना चाहिए, बहुत सारी बातें सोचने लगता है। Why डायस्कोरिया हैव ट्विस्टिंग पेन, अब सबसे पहले हमारे दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए कि ट्विस्टिंग पेन क्यों होता है। तो जैसे हमने डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर में देखा कि डायस्कोरिया किस तरह से ट्विस्ट करते हुए कॉइल करते हुए ऊपर की तरफ जाता है, तो सेम उसी कैरेक्टर का पेन पेशेंट फील करता है, जिस टाइप से जैसे हमने अभी बताया कि किस तरह से ये ट्विस्ट करते हुए जा रहा है, ठीक है, सेम उसी टाइप का पेन
पेशेंट को फील होगा। डायस्कोरिया इज ए ट्वाइनिंग ट्वाइनिंग प्लांट, द स्टेम इज नॉट स्ट्रांग सो इट नीड्स टू हैव समथिंग टू क्लाइम अप, इट ट्विस्ट एंड गोज फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। क्योंकि अब हम ये देखते हैं कि जब वो ट्विस्ट हो रहा है तो वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह, मतलब उसका जो क्लाइंबर है वो जा रहा है। तो पेन पहले एक जगह स्टार्ट हुआ, अब हम देखें इसको फिर से समझे कि पेन पहले जैसे ये ट्विस्ट होना जब चालू हुआ, ये फिर से समझिए, ये ट्विस्ट होना चालू हुआ तो यहाँ ट्विस्ट हुआ तो इस पॉइंट पे पेन हुआ, अभी आगे बढ़ा इस जगह पे आया तो यहाँ पेन हुआ, फिर आगे बढ़ा तो यहाँ पेन आया। तो इस टाइप से एक साइड से दूसरे साइड पे इसका पेन जाता है जैसे जैसे, इसीलिए इसको ट्विस्टिंग पेन बोलते हैं। दिस काइंड ऑफ प्लांट फिनोमेना इज रिजेंबल्ड टू क्वाइलिंग अराउंड समथिंग। अब हमने इसमें यही देखा ना, ट्विस्ट में और क्वाइलिंग में क्या हुआ कि ये ट्विस्ट करते हुए क्वाइल होते हुए जा रहा है, ट्विस्ट करते हुए क्वाइल होते हुए जा रहा है। फॉर क्वाइलिंग पर्पज प्लांट स्ट्रेच इटसेल्फ। अब चूंकि उसको क्वाइल करना है तो प्लांट ये जो इसका क्लाइंबर ही अपने आप को स्ट्रेच करता है। हाउ दिस पेन इज बेटर, लेकिन यदि हम इसके अब थोड़ा सा और समझे कि ये पेन बेटर कैसे होगा। अब हम ये देखिए कि जैसे हम पेशेंट में भी देखते हैं कि जैसे मान लो वो स्टैंडिंग खड़ा हो जाता है पेशेंट, तो उसका दर्द कम हो जाता है क्योंकि उसका ट्विस्टिंग ढीला पड़ जाता है, उसकी कॉइलिंग कमज़ोर हो जाती है ना। इरेक्ट कंडीशन में आ गया तो वो ठीक हो जाता है, ठीक है। बेल्चिंग, यदि डकार आ गई, डकार आने से क्या हो गया कि फिर से हल्कापन आ गया अंदर से, तो वो कम हो जाएगा। इरेक्टेशंस, स्ट्रेचिंग आउट और बेंडिंग बैकवर्ड, जो हम कोलोसिन से पहले ही कंपेयर कर चुके हैं कि इस तरह से अगर जाता है मतलब ये स्ट्रेच हुआ, जैसे ही वो स्ट्रेच हुआ तो वो पेन कम हो जाता है। मोशन, कंपेल्ड टू वॉक इवन दो टायर्ड, मतलब दर्द से इतना परेशान रहता है वो कि वो मूवमेंट में रहता है, ओपन एयर में जाना चाहता है कि जल्दी से मुझे राहत मिल जाए, रिलीफ मिल जाए। अब हम एक पेशेंट के बारे में बात करते हैं, एक पेशेंट जो कि गाल स्टोन से सफर कर रहे थे, जिसका चूंकि पहले वीडियो नहीं चल पाया यहां मैं थोड़ा सा बता दूं, तो वो पेशेंट जब आए तो वो बड़े परेशान थे और उन्होंने आके ये कहा कि जैसे गाल स्टोन की जगह पे वो बात करते और बताते जैसे कोई चक्री घूम रही है, कोई इस टाइप से वो बता रहे थे दर्द हो रहा है। तो उन्होंने उसको ऐसा नरेट किया कि जैसे कोई बर्मा घूम रहा हो, जैसे उन्होंने ये शब्द यूज किया था बर्मा, मतलब दिस टाइप से, या जैसे हम पेचकस से पेच जब हम स्क्रू कसते हैं तो किस टाइप से घुमाते हैं, राइट डायरेक्शन में, ठीक है। या हम इसको कहेंगे कॉइल करते हैं कोई चीज़ को, कॉइलिंग बना रहे, सर्पाकार गति दे रहे उसको, तो उन्होंने दर्द को ऐसे ही नरेट किया था। लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर इसको जैसे बर्मे को उल्टा कर दो, तो हमने ये पूछा उल्टा कर दो का क्या मतलब, तो उन्होंने ये कहा कि यदि मैं बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच करता हूँ, खींचता हूँ पीछे की तरफ, तो मेरा दर्द कम हो जाता है। तो सारा जो हमने देखा, पूरा जो उनका नरेशन था वो टोटल जेस्चर्स के ऊपर हमने समझा, और डायस्कोरिया इसी बेस पे दी, और डायस्कोरिया से उनको काफ़ी रिलीफ हुआ। तब हमने देखा कि डायस्कोरिया में जेस्चर का कितना इम्पोर्टेंस है इन कंपैरिजन टू रिपर्टरी, रिपर्टोरियल एनालिसिस और मटेरिया मेडिका। जेस्चर इज मच मोर इम्पोर्टेंट इन केस ऑफ डायस्कोरिया। अब फीमेल में हम देखते हैं कि फीमेल में डिसमेनोरिया में मेनली इट इज़ वेरी यूजफुल रेमेडी, स्पास्मोडिक यूटेराइन कोलिक, पेन्स सडनली फ्लाई टू डिस्टेंट पार्ट्स। अब चूंकि डायस्कोरिया और कोलोसिन बोथ आर कोली की पेन रेमेडी, तो इट इज़ एसेंशियल टू डिफ्रेंशिएट
both. तो now how can we differentiate? Total opposite खेल चलता है डायस्पोरिया में और कोलोसिन में. जैसे वेटर बाय स्ट्रेचिंग आउट, पीछे की तरफ झुके डायस्पोरिया, आगे की तरफ झुके कोलोसिन. कहाँ पेशेंट ठीक फील कर रहा है? बेटर बाय मोशन, वर्स बाय मोशन, बेटर स्टैंडिंग इरेक्ट, सीधे अगर खड़े हो गए बिल्कुल तन के, वहाँ डायस्पोरिया है. इन केस ऑफ पेन, इन केस ऑफ कोलिक, बेटर डबलिंग अप, बेटर बाय लाइंग हेड बैकवर्ड इस टाइप से. सिर को पीछे की तरफ ले गए, बॉडी को पीछे की तरफ खींचे, जैसे योगा कर रहे हो, धीरे 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 पीछे जा रहा है व्यक्ति, उसका दर्द कम होने लगता है. धीरे 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 आगे आता है और आगे आने से दर्द में राहत मिलती है, ये कोलोसिन हो जाता है. कोलिक रेडिएटिंग फ्रॉम अम्बाइलिकस, क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि सेंटर से इसका दर्द मूव करता है, तो अम्बाइलिकस इज ए सेंटर, वहाँ से इसका दर्द रेडिएट होके शरीर में चारों तरफ जाता है. जबकि कोलिक कलेक्टिंग टूवर्ड्स अम्बाइलिकस, अम्बाइलिकस की तरफ आने वाला और वहाँ एक जगह आके इकट्ठा कर दर्द हो गया, तो वो कोलोसिन है. एंगर फ्रॉम वेक्सेशन, गुस्सा इसमें भी है लेकिन इसको बहुत खींच जाती है जब गुस्सा आता है. जबकि कोलोसिन में एंगर सप्रेस ड्यू टू मल्टीप्लिकेशन. कोलोसिन क्योंकि फैमिली वायलेंस की मेडिसिन है, ये भी मलेरिया में आज की है. एंड कोलोसिन एंड स्टेफाइसिक्रिया बोथ आर वेरी वेरी नियर इन केस ऑफ एंगर. पर इफ देर इज ए पेन आफ्टर सप्रेस्ड एंगर, है ना, कोलोसिन इज यूजफुल रेमेडी. एनी हाउ यू कैन प्रिस्क्राइब कोलोसिन. कोलोसिन में चूंकि आत्मसम्मान को इसको भी ठेस पहुंचती है, जैसे कि स्टेफाइसिक्रिया में होती है. लेकिन स्टेफाइसिक्रिया इज मियरली नर्व रेमेडी, वाइल कोलोसिन इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ रेमेडी. नाउ अब हमने क्लिनिक में क्या ऑब्जर्व किया? इम्पोर्टेड फीलिंग ऑफ डायस्कोरिया पेशेंट, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, एंड दिस इज रियली वेरी यूजफुल. द पेन और वी कैन से प्रॉब्लम विल टिल द एंड ऑफ माई लाइफ, पेशेंट आपको ये आके ही बोलेगा, क्योंकि दर्द से परेशान हो गया कि मेरे जिंदगी के साथ ही ये दर्द जाएगा, इट विल लास्ट फॉर एवर, शायद ये दर्द अब कभी ख़त्म नहीं होगा, ये दर्द मेरी जिंदगी के साथ जुड़ गया है, है ना, इट विल रिमेन कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ माई लाइफ. ड्यू टू पेनफुल सफरिंग द पर्सन थिंक्स आई एम पावरलेस, पेन से पेशेंट इतना हरास हो जाता है, इतना स्टक हो जाता है कि वो अपने आप को बिल्कुल शक्तिहीन मानने लगता है कि पता नहीं दर्द कब उठ जाएगा. दे आर अफ्रेड, उनको अंदर ही अंदर इस दर्द से डर लगने लग जाता है. पर्सन वुड लाइक टू कीप द पेन किलर्स इन हिज पॉकेट. जब भी आप देखिएगा क्लिनिक पे, यदि आपके पास पेशेंट आता है, दर्द कई तरह के होते हैं, अर्थराइटिस पेन, पोलीअर्थराइटिक पेन, गाउट, माइग्रेन, कोलिक, बॉडी पेन, पेन ऑफ इंजुरी, पेन आफ्टर स्वेलिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट इफ यूअर पेशेंट हैव ऑल द टाइम ही इज कीपिंग पेन किलर इन हिज पॉकेट, एंड वंस द पेशेंट कम्स इन यूर क्लिनिक, इमीडिएटली ड्यूरिंग कन्वर्सेशन वो अगर पेन किलर अपने जेब से निकाल के बाहर रखता है, तो आप कहीं ना कहीं अंदाजा लगा लीजिए कि पेशेंट को कोलिक प्रॉब्लम है या पेशेंट कहीं ना कहीं डायस्कोरिया वाला है. ये और भी मेडिसिन में हो सकता है, पर इन मोस्ट ऑफ द केसेस, क्योंकि रिनल स्टोन के कोलिक में भी पेशेंट पेन किलर रखता है, पर रिनल स्टोन वाला के कोलिक से भी अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ वाला दर्द है तो वो डायस्कोरिया का है. ऑल प्रॉब्लम रिलेटेड टू पेन एग्रावेटेड इन इवनिंग. डायस्कोरिया में सारे पार्ट्स में इवनिंग में ही एग्रावेशन मिलेगा. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ डायस्कोरिया. अब अकॉर्डिंग टू मैसिमो, मैसिमो ने क्या कहा था? ऑब्सेस्ड बाय आइडिया दैट दिस इज जस्ट द बिगिनिंग एंड इट कैन ओनली गेट वर्स. मैसिमो ने कहा था कि ये दर्द की शुरुआत है
और ये दर कभी खत्म नहीं होगा, ये और बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा. दे डू नॉट डिजर्व ऑल दिस पेन, वाई आई मस्ट सफर विद दिस पेन. क्योंकि मैं इस दर्द के श्रेणी में आता ही नहीं हूँ, मेरा इस दर्द से कोई सरोकार ही नहीं है, फिर भी क्यों मैं इस दर्द से सफर कर रहा हूँ. पेशेंट ये सोचने पर मजबूर हो जाता है, इट इज़ लाइक अ पनिशमेंट फॉर समथिंग दे नेवर डिड. मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया, फिर मुझे क्यों दर्द हो रहा है. एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल कंपेरिजन विथ कैलिब्रोम. इन कैलिब्रोम देर इज अ डिल्यूजन, ही इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ गॉड वेंजियंस. ईश्वर ने उसको चुना है सजा देने के लिए. इन द सेम वे डायस्कोरिया थिंक्स, वाई आई एम पनिशिंग विथ दिस पेन, वाई वट आई डिड नॉट डू एनी थिंग इन माई लाइफ सच अ बेड थिंग्स बाई विच आई कैन बी सफरर दो आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस पेन. दिस इज द फीलिंग ऑफ डायस्कोरिया. नाउ वॉट आर द मेंटल फीचर्स ऑफ डायस्कोरिया पेशेंट? अवर्शन टू कन्वर्सेशन एट अ टाइम ऑफ पेन. बात नहीं करना चाहेगा पेशेंट, उतना दर्द उसको परेशान कर देगा. कन्फ्यूजन ऑफ माइंड इन कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन के दौरान उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि मुझे क्या करना है. एंड दिस इज अ वेरी पिक्यूलर सिम्टम ऑफ डायस्कोरिया, एवर्शन टू वुमेन इन मेल. नाउ हियर अगेन आई वुड लाइक टू नरेट अ केस. एक पेशेंट को आके कहा कि मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जबकि उन्होंने ये बताया, पेशेंट ने कहा कि मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जबकि उन्होंने ये बताया कि मुझे यहाँ दर्द होता है, और अपनी फिंगर को ऐसा रखा और ऐसा घुमाया, दिस इज ट्विस्टिंग और कॉइलिंग. तब उन्होंने हाथ को ऐसा ही रखा था. तब हमने उनसे पूछा कि आपको यहाँ दर्द होता है तो इस हाथ को ऐसा रखते हो तो क्या होता है? बोले इससे मुझे ठीक लगता है, मीन्स एबडक्शन. फिर हमने उनसे कहा कि आप हाथ को थोड़ा सा नज़दीक लाइए, है ना, मतलब बॉडी की तरफ लाइए. तो एडक्शन की कंडीशन में उनका दर्द बढ़ रहा था, जब हाथ को ऐसा लाते थे तो उनका दर्द ज़्यादा हो रहा था. फिर हमने कहा हाथ को ऊपर ले जाइए, जब वो ऊपर ले गए तो उनके दर्द में काफ़ी राहत थी, जब ऐसा स्ट्रेच आउट किया तो दर्द उनका ठीक था. बट द पेशेंट वॉज नरेटिंग हिज पेन विद दिस जेस्चर्स लाइक कॉइलिंग, कॉइलिंग समथिंग आर मूविंग हिज फिंगर अराउंड द शोल्डर. एंड ऑन द बेस ऑफ दिस सिम्टम्स आई फर्दर आस्क समथिंग मोर. तब हमने उनसे पूछा कि टेल मी अबाउट एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस इन योर लाइफ. तब पेशेंट ने यह कहा कि प्रॉब्लम घर में ही है, प्रॉब्लम स्टाफ में है. बोले फीमेल के बिना काम चलता नहीं है, पर मुझे फीमेल से बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि वो डोमिनेट कर रही है. घर में वाइफ भी डोमिनेट कर रही है और स्टाफ में भी कुछ फीमेल्स काम करती है, वो डोमिनेट कर रही है. वो मुझे छोड़ना नहीं चाहती है, वो मुझे मतलब हर समय वो ऐसा लगता है मुझे वो हैरास कर रही है. तब हमने इसको ऐसे लिया कि जैसे वो क्लाइम कर रही है, वो उसके चारों तरफ मूव कर रही है. तब हमने ये सिम्टम देखा कि एवर्शन टू फीमेल और एवर्शन टू वुमेन इन मेन. दो पेशेंट नीड्स, पेशेंट फोंड ऑफ लेडीज, जरूरत तो है लेकिन करें क्या. एन इरिटेबल फील, क्रॉस एंड ट्रबल्ड. तब आजकल अब वो एक चीज़ और करने लग गए थे कि उनकी राइटिंग में भी मिस्टेक होने लगी थी, बोलने में भी, जैसे कि पेशेंट प्लम्स को पियर बोल पड़ता है, इस टाइप से वो कुछ मिस्टेक्स कर रहे थे, है ना. तब इस बेस पे हमने उनको इमीडिएटली डायस्कोरिया 1M का एक डोज दिया और उनसे ये कहा क्लिनिक पे कि आप 20-25 मिनट वेट करिए, फिर देखते क्या होता है. इमीडिएटली 20-25 मिनट बाद उन्होंने ये बताया कि पेन में मुझे 20-30% रिलीफ है और उनको नींद आने लगी, वो रेस्टिंग फेज में जाने लगे.
तब हमने उनको कुछ और मेडिसिन दे के मीन्स यही डायस्कोरिया एलम पोटेंसी में दे के उनको घर भेज दिया। एक सप्ताह बाद वो आए, उन्होंने कहा कि दर्द में मुझे अब लगभग 60% रिलीफ है। पेन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ पेन इंक्रीज ड्यू मेनली इन द इवनिंग एंड एट नाइट, बट बाकी पूरे दिन मुझे दर्द में काफ़ी आराम है, जो कि डायस्कोरिया का की फीचर है कि इवनिंग में इसकी हर कंप्लेन बढ़ती है। फिर हमने उनसे एक बात पूछी जो डायस्कोरिया का मेन सिम्टम है, थोड़ा सा प्रिजुडिस होके कि आप चाय पीते हो या नहीं, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि बचपन से ही मैंने चाय क्या होती है चखी नहीं। अब हमारे सामने समस्या ये आई कि डायस्कोरिया में जो टी का सिम्टम है, टी एवर्शन टू टी एंड एग्रावेशन फ्रॉम टी, तो हाउ कैन आई अंडरस्टैंड दिस सिम्टम विथ माई पेशेंट। तब हमने उनसे ये पूछा कि अगर दूसरे लोग चाय पीते हैं तो उनके बारे में आपका क्या कहना है। जैसे हमने हमारा ही कहा कि मैं हम 5-6 चाय रोज पी लेते हैं, क्या करना चाहिए। तब उन्होंने ये बताया कि सर आप बंद कर दीजिए, ये गलत है, ये आपकी सेहत ख़राब करेगी, है ना। तो दिस शोज हिज इनर फीलिंग कि एग्रावेशन एंड एवर्शन फ्रॉम टी। नाउ व्हाट आर द फिजिकल फीचर्स ऑफ डायस्कोरिया। एब्डोमेन पेन टी आफ्टर, एब्डोमेन पेन स्टैंडिंग अमेलिरेशन, है ना, एब्डोमेन पेन एक्सटेंडिंग टू डिस्टेंस पार्ट, ओके, पेन एक्सटेंड पेन इन लीवर रीजन एक्सटेंडिंग टू राइट निपल, हम पहले ही बता चुके हैं। एब्डोमेन पेन कॉन्स्टेंट एट द साइड ऑफ अम्बाइलिकस, एब्डोमेन पेन क्रेम्पिंग ग्राइपिंग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली, बैक पेन सर्वाइकल रीजन एक्सटेंडिंग टू शोल्डर, जो हमारे पेशेंट ने हमको बताया था। सम मोर फिजिकल फीचर्स, कंटिन्यूड डिस्ट्रेस इन स्टोमक विथ फ्रिक्वेंट वेरी शार्प पेंस एट 7 AM, मस्ट अनफास्टन क्लोथिंग। मतलब कि ऐसा नहीं कि लेकेसिस में ही लूज कपड़े चाहिए, डायस्कोरिया को भी पेन के कारण कपड़े थोड़े से लूज चाहिए होते हैं, क्योंकि शार्प पेन खास करके सुबह 7 बजे से उसको तकलीफ देना शुरू कर देता है। सीवियर कॉन्स्टेंट पेन ग्रेटली एग्रावेटेड एवरी 3 or 5 minutes नियर हेड ऑफ कोलॉन, फ्लैचुलेंट कोलिक ऑकरिंग एवरी नाइट, पेरोक्सिस्मल पेन इन यूरेथ्रा, फुलनेस सेंसेशन ऑफ ब्लेडर आफ्टर यूरिनेशन, उसको भरा भरा ही लगेगा, यूरिनेशन ड्रिबलिंग विथ इनलार्ज प्रोस्टेट। नाउ व्हाई डायस्कोरिया हैव एवर्शन टू कंपनी स्पेशली फीमेल कंपनी। हमने जो सेकंड केस बताया उसमें बताया ही था कि क्यों फीमेल से उसको अरुचि हो जाती है, कि यूजुअली द पर्सन इज फोंड ऑफ कंपनी ऑफ लेडीज बट दे सीम नाउ रिपल्सिव, फीमेल लाइक बेस्ट फ्रेंड नियरेस्ट वन स्पाउस और लवर। डायस्कोरिया फील्स स्टक एंड हैरास इंटरमिटेंटली बाय द फीमेल कंपनी एंड ही हिमसेल्फ वांट्स टू कम आउट ऑफ द ग्रिप ऑफ दिस कंपनी। वो ये चाहता है कि ये जो फीमेल जो मेरे सराउंडिंग है जो हरास कर रही है, जैसे कि एक क्लाइंबर हरास करता है, इससे मैं कैसे फ्री हूँ, कैसे छुटकारा पाऊँ, इसीलिए डायस्कोरिया को अवर्शन टू फीमेल मेनली होता है। नाउ अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राजन शकरण, Part 3 इनसाइड इनटू प्लांट, दीज आर द मेन सेंसेशन ऑफ डायस्कोरिया, स्टक एंड हरास्ड विथ इंटरमिटेंट ट्विस्टिंग एंड स्ट्रेचिंग सेंसेशन, परसिक्यूटेड बाय इंटरमिटेंट ट्विस्टिंग एंड स्ट्रेचिंग। सो फ्रेंड्स, आई थिंक दिस इज इनफ अबाउट डायस्कोरिया एंड
enough about Diasporia, and we will remain continue with our next webinar with different remedies, and we have given our link you in description part. We have given link of different videos. You can subscribe it in our mainly Homeo Gyan channel. So thank you very much. But one more thing, you listen critically. There are very many other painkillers in our material medica. The main remedy is Arnica. Now how can we differentiate Arnica with Diasporia? Arnica is a remedy for injuries. And in Arnica, there is a fear remain after an accident. Arnica would never like to touch his painful part. Aversion to touch. The main, and patient tells us, says well while he is sick. वो बोलता है मैं ठीक हूँ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है. One more remedy is Ruta. Ruta is useful remedy for fibrous tissues. अभी lockdown में हम बैठे हुए हैं और बहुत mental strain हो रहा है. रात दिन WhatsApp देख रहे हैं, videos देख रहे हैं, टीवी की तरफ भी हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान है, स्टडी भी कर रहा है, तो हमारी आंखों पे बहुत स्ट्रेन आ रहा है. तो यहाँ हम डायस्पोरिया और कोलोसेंस से कुछ नहीं कर सकते. वी नीड रूटा अलॉन्ग विथ यूफ्रेशिया. ठीक है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, रिस्ट में एंकल में पेन होता है, लंबर रीजन खास करके बैक पेन के लिए रूटा इज़ वेरी यूजफुल रेमेडी. ओवर एग्जर्शन, जहाँ जहाँ भी ओवर एग्जर्शन करना पड़ रहा है और पेन की कंडीशन डेवलप होती है, देन रूटा इज द मेन रेमेडी. एक और दवा है बेलिस पी. बेलिस पी इज द मेन रेमेडी फॉर ब्लड वेसल्स. गर्मी के दिन चल रहे हैं, हम देखते हैं लोग ठंडा शरबत पीते हैं. ठीक है, हम ये भी देखते हैं कि लोग आइसक्रीम बहुत खाते हैं, गले में तकलीफ हो जाती है. वेन एवर यू फील एनी काइंड ऑफ कंप्लेन विद कोल्ड ड्रिंक्स मेनली इन यूर थ्रोट, फॉरगेट अदर मेडिसिन लाइक हिपरसल्फ, मरसाला, बेलाडोना. यू यूज बेलिस पी एंड इट विल गिव यू कम्फर्ट. एनी हाउ यू विल फील रिलीफ बिकॉज हियर इंजुरी बिकॉज ऑफ कोल्ड ड्रिंक. एंड वन मोर वेरी पिक्यूलर सिम्टम ऑफ बेलिस इज इफ स्वेलिंग रिमेन आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ अर्निका. स्वेलिंग जा नहीं रही है, खूब सारा अर्निका दे दिया, देन यू कैन प्रिस्क्राइब बेलिस पी. ज़्यादा पसीना आ रहा हो, एकदम से नहा लिए, देन यू कैन यूज रस्टॉक्स फॉर एनी काइंड ऑफ पेन. एवरी मेडिसिन हैज देयर डिफरेंट मियाज़म, है ना, एंड अकॉर्डिंग टू मियाज़म यू कैन यूज द रेमेडी. मेनी अदर पेन किलर्स इन अवर मेट्रिया मेडिका. सो कीप इन इट, कीप डायस्पोरिया अलॉन्ग विथ कोलोसिन इन योर मेडिसिन किट. कब जरूरत पड़ जाए डायस्पोरिया की, बिकॉज देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ डायस्पोरिया, नो अल्टरनेट ऑफ डायस्पोरिया लाइक इन अदर पेथीज. सो कीप डायस्पोरिया इन योर शेड बॉक्स, इन योर मेडिसिन बॉक्स, एंड यूज इट कॉशियसली बट विदाउट एनी फियर. ओके, थैंक यू. Thank you very much.